एंड मैं अगर आपको बोलूं कि 100 रुपए के अंदर आपको एक दिन का पूरा प्रोटीन इंटेक मिलेगा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज रीनाइज आयल। तो हम आ गए एक मजेदार वीडियो लेके। आज का वीडियो लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड ये वीडियो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। तो एक कॉमन स्टेटमेंट जो मैं मोस्टली सुनता हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे भी आते हैं जिम करने के लिए, तो एक कॉमन जो स्टेटमेंट मेरे को सुनने में आता है, रीना भी शायद उससे एक्सेप्ट करेगी, कि जो लड़के लोग रहते हैं मोस्टली 16 से लेके 22 साल की उम्र तक, वो लोग मोस्टली यही बोलते हैं कि पैसा नहीं इसलिए बॉडी नहीं बना पा रहे। वो तो है, मैंने भी बहुत सुना है भाई, मेरे को डाइट करने को पैसा नहीं है, प्रोटीन लेने को पैसा नहीं है, मैनी ऑफ द स्टॉप्स। एंड मैं अगर आपको बोलूं कि 100 रुपए के अंदर आपको एक दिन का पूरा प्रोटीन इंटेक मिलेगा तो 80 ग्राम प्रोटीन 100 रुपए के अंदर मिलेगा आपको, वो भी फर्स्ट क्लास। जो हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन का दावा करते हैं, वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन आपको 100 रुपए के अंदर मिलेगा, 80 ग्राम प्रोटीन। जो अगर बेट हार गया तो आप लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। और अगर जीत गया तो सब्सक्राइब करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना। कोई तरीका है भीख मांगने का वीडियो को? तो चालू करते हैं। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, 1 किलो पनीर मार्केट में कितने रुपए का आता है? 400। तो उस हिसाब से 100 ग्राम पनीर कितने का होगा? 40 रुपीज। तो वो 100 ग्राम पनीर में कितना ग्राम प्रोटीन रहता है? अप्रोक्स 20 ग्राम। अगर आप दही लेने जाएंगे तो 1 किलो दही कितने के आसपास आता है? 75 रुपीज के आसपास, अमूल का दही पैकेज वाला। एंड उसको अगर 100 ग्राम पे डिवाइड करना कितना होगा? 7.5 रुपए। 100 ग्राम दही में अप्रोक्स आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 15 रुपए में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया। इधर 40 रुपए में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया। अगर हम मील्स के हिसाब से डिवाइड करें, 4 मील्स में डिवाइड करें, 2 मील दही का हुआ, 2 मील पनीर का हुआ, दही के लिए गया 30 रुपीज, पनीर के लिए 80 रुपया, 110 रुपए में आपको 80 ग्राम प्रोटीन फर्स्ट क्लास मिल रहा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। दिस इज फॉर वेजिटेरियंस। ये हो गया। अब नॉनवेज वाले बोले नहीं, वो तो नहीं कर सकते, बिकॉज़ नॉनवेज ऑब्वियसली महंगा आता है। सस्ता आता है, नॉनवेज वेज से सस्ता आता है, नॉनवेज वेज से सस्ता होता है। हां, क्या सस्ता होता है? अभी पूछोगे कैसे तो आपको मैं सीधा बता दूं, 1 किलो बोनलेस चिकन कितने का मिलता है अप्रोक्स? चिकन में भी अप्रोक्स 20-24 होता है, लेकिन हम 20 ग्राम प्रोटीन पकड़ लेते हैं, 20 ग्राम प्रोटीन चिकन से मिला। एंड एग्स कितने का था? एक अंडा कितने का आता है? 6 रुपए का आता है। आप क्रेट लेने जाओगे 30 अंडे का तो आपको और सस्ता पड़ेगा, 4.5-5.5 के आसपास पड़ जाएगा। एक अंडा लोगे तो 6 रुपए, चलो अपन एक अंडे के हिसाब से लेते हैं, एक अंडा 6 रुपए का, उसमें अप्रोक्स 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे में। तो 3 अंडे में आपको अप्रोक्स 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 3 अंडे आए आपके 18 रुपए के, 18 रुपए का वो हुआ। और अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे मील्स के हिसाब से, 200 ग्राम बोनलेस चिकन में आपको मिल गया 40 ग्राम प्रोटीन, 6 अंडों में आपको मिल गए 40 ग्राम प्रोटीन, 80 हो गया। अंडों का रेट हुआ 36, चिकन का रेट हुआ 60 रुपया, टोटल हुआ 96 रुपीज मैक्सिमम ऑन एन एवरेज। 100 रुपए के अंदर आया कि नहीं नॉनवेज? लगा नहीं था, मिरेकल। ये बेट मैंने किया था, मैं ऐसे कोई बात नहीं फेंकता, आप कुछ भी चटर पटर खाते हो बाहर का। आज के डेट में एक बात बोलूं, नॉर्मल फ्रैंक या शॉर्मा भी 100 रुपए के नीचे नहीं आता रहेगा। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एक टाइम का आप खाते हो, मैं पूरे दिन का आपको प्रोटीन इंडेक्स 100 रुपए में दिला दिया, अभी किसी का बहाना आया पैसा नहीं है बॉडी बनाने के लिए, तो फिर भाई भगवान ही तुम्हें बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता फिर तुम्हें। भाई तुम लोगों को इतना अच्छा कैलकुलेशन बताया है तो डाइट फॉलो करो। और अगर बॉडी बनाना, गेनिंग करना, आपको कैलोरी इंटेक करना पड़ेगा, घर पे रोटी चावल तो बनता ही रहेगा, सब्जी बनती ही रहेगी, वो चीज तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, वो जिस आपको बना बना मिलता है, सिर्फ आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, ओवरऑल देखोगे तो बॉडी बन रहा है भाई आपका।
नहीं, अगर आप ट्राई करोगे या ऐसा डाइट फॉलो करोगे तो क्यों नहीं बनेगी? एक बात बोलू, ये आप डाइट फॉलो करो सिर्फ दो महीना अभी का फोटो निकालो और दो महीने बाद का फोटो निकालो। हाँ, लेकिन जो इंटरमीडिएट है उनके लिए शायद प्रोटीन इंटेक ज्यादा रहेगा ना। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका मसल मास नहीं है, जिनका वेट 55 टू 65 के बीच में है। ओके। क्योंकि मसल बनने के लिए एवरेज आपको 1.25 टू 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट आपको लेना पड़ता है। ओके। मसल बिल्डिंग के लिए पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको उतना लेना पड़ता है, तब जाके आपका मसल बिल्डिंग अच्छा क्वालिटी का होता है। तो ये चीजें है, तो आज का वीडियो यही तक रखते हैं। आई होप भाई इतना अच्छा टॉपिक और इतना अच्छा आपको सस्ते में मील्स बता दिया, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को और ये अपने और दोस्तों तक फैलाओ जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि बॉडी नहीं बनेगा। और इसमें मैंने वे प्रोटीन नहीं बोला है, मैं वे प्रोटीन का खर्चा गिना ही नहीं हूँ इसमें। आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो कि है अंडा चिकन पनीर दही, इसमें से मिल जाएगा आपको प्रोटीन सिर्फ 100 रुपए के अंदर पर डे, 100 रुपए का खर्चा आपको, उतना खर्चा तो आई गेस कोई भी बियर कर सकता है। अभी श्रावण चल रहा है तो भाई वेज ज्यादा लोग फॉलो करेंगे तो भाई तो भी कितना 110 रुपए पर डे, तो अप्रोक्स आपको 3,300 या 3,350 रुपए आपको खर्चा जाएगा महीने का। और वही वेज वालों को देखो 3,000 के आसपास आपको खर्चा जाएगा महीने का, उतना तो आप बेयर कर सकते हो आई गेस। सो चलो आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो तब तक के लिए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक्स और हम लेके आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले इससे। तो वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय बाय।